कोरोना काल में कुछ अफसर अमानवीय हरकत करने लगे हैं। इंदौर के समीप देपालपुर विधानसभा में तहसीलदार बजरंग बहादुर लोगों को लात से मारते दिख रहे हैं। लोगों ने कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन किया था। मध्य प्रदेश में कोविड 19 वायरस के 5 नए म्यूटेशन एक्टिव हैं। नए स्ट्रेन का पता लगाने के लिए फरवरी में 204 सैंपल नई दिल्ली भेजे गए थे। इन्हीं की जांच में पता लगा है कि यूके और साउथ अफ्रीका के वेरिएंट इंदौर के मरीजों में भी मिले हैं। नए स्ट्रेन न केवल संक्रमण की दर बढ़ा रहे हैं बल्कि एंटीबॉडी पर भी असर डालने की क्षमता रखते हैं। मध्य प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार में कमी आना शुरू हो गई है। स्वस्थ होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। 5 दिन में रिकवरी रेट 2% बढ़ा है। प्रदेश के चारों बड़े शहरों की स्थिति भी ठीक है। यहां मरीज तेजी से रिकवर हो रहे हैं। स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा नए संक्रमितों से ज्यादा है। मध्य प्रदेश के दमोह विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। कांग्रेस कैंडिडेट अजय टंडन ने 17,089 वोटों से भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह को हराया है। भाजपा के राहुल सिंह लोधी ने हार के लिए पूर्व मंत्री जयंत मलैया को जिम्मेदार ठहराया है। देवास में अग्रवाल समाज के अध्यक्ष बालकिशन गर्ग के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गर्ग परिवार के 5 सदस्य कोरोना महामारी के चलते बीते 18 दिनों में इस दुनिया से विदा हो चुके हैं। रविवार को परिवार की बड़ी बहू ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। अब परिवार में बुजुर्ग दादा और 4 छोटे बच्चे ही रह गए हैं।